तो सबसे पहले अगर हम फ्रंट से शुरुआत करते हैं तो हेडलाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो है कि हेलोजन लैंप्स मिलते हैं प्रॉपर रिफ्लेक्टर बेस्ड, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है नीचे। लेकिन जो आप ये एलिमेंट आप देख रहे हो ये इसका DRL है जो कि आपको एक ओवरले में इस समय देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ इसी के बिल्कुल नीचे आप यहाँ देख सकते हो तो यहाँ पर जो है कि आपको एक फॉग लैंप भी देखने को मिल जाती है, और फ्रंट में जो है कि यहाँ पर आपको बीचों बीच में एक बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है जो कि प्लास्टिक प्लस क्रोम फिनिश के साथ आती है। डैटसन की जो है कि आपको यहाँ पर बैजिंग देखने को मिल जाती है, तो फ्रंट से जो है कि कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिंगल ब्लेड वाइपर मिलता है वॉशर के साथ। हाँ, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वहाँ पर है बट हाँ काम चला देती है क्योंकि विंडशील्ड जो है कि ऐसा चीज़ की बहुत बड़ी नहीं है तो वो ईजिली जो है कि आपका काम कर देगी। टायर्स की तरफ अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कि आपको स्टील रिम्स मिलते हैं विथ व्हील कैप्स, और टायर साइज़ की बात करें तो 165/70R 14 इंचेस का यहाँ पर आपको जो है कि टायर मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियर में जो है कि आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और जो इसकी ये आप फिनिश देख रहे हो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है कि अच्छे डिटेल वे में बना करके दिया गया है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ये एक फेक कार्बन फाइबर के फिनिश के साथ आती है, और डैटसन का जो है कि आपको यहाँ पर लोगों को देखने को मिल जाएगा। टायर डिसेंट साइज़ का है, चौड़ाई वड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन इस कार के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फ्रंट फेंडर पे डैटसन का एक मिल जाता है बैजिंग, नीचे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जो कि हेलोजन बेस्ड है। ORVMs आपको मैनुअली फोल्डेबल और मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिलते हैं, इंटरनली आप इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड भी आपको मैनुअली करना होगा। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको की इंसर्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। साइड्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह की कॉम्पैक्ट कार है, ये कॉम्पैक्ट हैचबैक है, और यहाँ से जो है कि आप अपने फ्यूल भरोगे। और चलते हैं एक बार बोर्ड भी खोल करके आपको पीछे का जो है कि लुक बताते हैं, तो पहले उसको खोल करके आपको पीछे सब दिखाते हैं सब चीज़ें। तो ये जो आप देख रहे हो पीछे कुछ ऐसा लुक जो है कि आपको देखने को मिलेगा, और बॉक्सी शेप है इसका, एज सच रूफ पे किसी तरह का आपको मिल नहीं था, मतलब जो आपकी रूफ रेल्स होती हैं उस तरह कुछ आपको नहीं मिलता है। एंटीना ज़रूर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कि आपको LED प्लस हेलोजन बेस जो है कि आपको यहाँ पर मिल जाती है रियर की लैंप्स, जिसमें से आपको एक LED एलिमेंट मिल जाता है, आप ओवरले में देख ही रहे होगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है कि पार्किंग लाइट और इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको रेडिगो की बैजिंग मिल जाती है कुछ क्रोम फिनिश में, और बिल्कुल नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर और साथ ही साथ 3 पार्किंग सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। डैटसन का लोगो है यहाँ पर, और देखते हैं एक बार बूट में कि कैसा स्पेस है। तो ये हालांकि अच्छा है, ऑल्टो से तो कम से कम भारी है। और पीछे अगर आप बूट की बात करोगे तो यहाँ पर जो है कि आपको डिसेंट अमाउंट का यहाँ पर स्पेस मिल जाता है, 1 से 2 डिसेंट अमाउंट के बड़े बैग्स यहाँ पर आ जाएंगे, छोटे बैग्स आप 3 से 4 डाल सकते हो, बहुत बड़े बैग्स में आई थिंक 1 आ जाएगा आराम से, या 2 भी आ सकते हैं किसी तरह। उसके बाद आपको ये जो पीछे की सीट मिलती है ये आपको बेंच फोल्डिंग मिलती है, इसमें किसी तरह का आपको 60/40 नहीं मिलता। हेडरेस्ट भी आपको मिलते हैं जो कि फिक्स्ड हैं, एडजस्टेबल नहीं है। और इसके नीचे अगर हम उठाएं तो आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है, एक्चुअली सेम साइज़ का है, लेकिन जो यहाँ की लोडिंग लिप है ये काफ़ी ज़्यादा जो है कि ऊँची भी है, साथ ही साथ डीप भी है अंदर की तरफ, तो थोड़ा सा सामान को निकालने और डालने में आपको दिक्कत हो सकती है, मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट हाँ आप उसे हैंडल आउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको जो है कि वार्निंग ट्रायंगल और टूल किट भी जो है कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो बूट हम बंद करते हैं और चलते हैं अंदर के केबिन में, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक स्टॉप लाइन भी देखने को मिल जाती है। तो इंटीरियर में चलने से पहले सबसे पहले जो है कि हम एक बार डोर जो है साइड वाले ड्राइवर साइड उसको कवर कर लेते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर जो है कि आपको एक ये लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है जो कि काफ़ी रेट्रो सा लगता है, हमारी पेरी वैगनार में भी है। यहाँ पर जो है कि आपको एक मिल जाता है डोर हैंडल जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, प्लास्टिक का ये है, आपको इसके ऊपर पेंटेड मटेरियल मिल जाता है, फैब्रिक फिनिश है जो कि अच्छी है। यहाँ पर भी आपको जो है कि हर जगह हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है। प्लास्टिक मटेरियल देखोगे तो ऐसा इस कार के हिसाब से, एंट्री लेवल के हिसाब से इस कार की पार्टिकुलरली रेडी होगी जो है कि अच्छी है, एज़ कम्पेयर टू जो आप देखोगे ऑल्टो या क्विड से जो करेंटली इसके कह सकते हो कॉम्पिटिशन में आती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कि आपका ORVM कंट्रोल करने को मिल जाता है जो कि मैनुअल है। साथ ही साथ नीचे जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर आपको ऐसा कोई बॉटल तो नहीं है, बट हाँ आप इसे यहाँ पर एक कार क्लीनिंग क्लोथ या छोटे मोटे डॉक्यूमेंट रख सकते हो। स्पीकर की प्लेसमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो है कि 2 आपको लीवर मिल जाते हैं बूट और फ्यूल लिड खोलने के लिए,
इस तरफ अगर हम देखते हैं तो आपको ये जो आप देखने को लग रहा होगा, तो ये जो है आपका बीम एडजस्टमेंट के लिए है। आप देख सकते हो यहाँ पर बना भी है, ये मैनुअल आपका जो है कि बीम एडजस्ट करता है। आप इसे हेडलाइट को अपने हिसाब से लेवल कर सकते हो, लेकिन मैनुअली नीचे जो आप ये एक बड़ा सा लीवर देख रहे हो, ये आपका जो है कि आपका जो मेन बोनेट है उसको रिलीज कर देगा। सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक फिक्स जर्जर के साथ आती है सीट, फैब्रिक फिनिश में है, ब्लैक और ग्रे कलर का है। इस पर कुछ आपको पैटर्न भी देखने को मिल जाता है। बैठते हैं आप कार के अंदर, तो इंग्रेस जो है कि और मतलब चढ़ना और उतरना इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा इजी है, और मुझे एज सच सिमिलर लगी वैगनार तक जितनी, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो काफ़ी जो है कि अच्छी है। कार को फिलहाल हम कर लेते हैं ऑन और थोड़ी सी फ़ैन की हवा खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी तो बहुत ही गर्मी नहीं कह सकते हम, उमस तो काफ़ी भीषण हो रही है यहाँ पर। और कुछ ऐसा जो है कि आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने को मिल जाता है। ORVMs की अगर हम बात करें तो इससे जो है कि डिसेंट अमाउंट की विजिबिलिटी मिल जाती है। हालांकि आपको इसके देख करके माइक्रा टेरेनो की याद आ रही होगी, क्योंकि कुछ इसी तरह का आपको उसमें भी देखने को मिलता था। और ये पता नहीं क्यों बार बार टू टू आवाज़ कर रही है, बट हाँ आपको बेयर करना होगा क्योंकि हमें गाड़ी स्टार्ट करके ही सब चीज़ें आपको बतानी हैं। तो फिलहाल सब चीज़ें छोड़ते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, जिनका फ्लो अच्छा है, क्योंकि मैंने फिलहाल इसे 2 पर भी सेट किया है, तो जो फ्लो है काफ़ी डिसेंट है और आपको इसमें मैनुअल AC देखने को मिलता है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, जहाँ पर अपने कॉइन्स आप रख सकते हो। और इस तरफ जो है कि आपको एक हेडलाइट कंट्रोल मिलता है, जहाँ पर आपको जो है कि फॉग लैम्प का भी कंट्रोल मिल जाता है, जो पहले आपको रेडी को आया करती थी, उसमें आप अपने DRL को भी ऑन ऑफ करते थे। उसका एक डेडिकेटेड बटन जो है कि इधर कहीं मिलता था, हालांकि इस वाले में फिलहाल जो है कि नहीं है। ये पर्टिकुलर 2021 मॉडल है और टॉप ऑफ द लाइन है, जो कि 800cc में आपको अवेलेबल मिलता है। उसके बाद इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कि आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को इसका मिल जाता है रेडिको का, काफ़ी बेसिक सा है एज सच। और यहाँ पर आपको बीच में स्पीडोमीटर और काफ़ी तरह की वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं। नीचे आप अगर यहाँ देखोगे तो एक आपको यहाँ पर MID मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पर एक बटन दिया गया है उसको दबा करके ब्राउज कर सकते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है कि एक RPM गेज मिलता है, यानी टैकोमीटर मिलता है, जिसकी सिर्फ और सिर्फ 5000 तक की रेव लिमिट है और लगभग 5200 या 5300 RPM रेड लाइन लिमिट दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 20 किलोमीटर दिखा रहा है, जो कि इसका एक्चुअल ओडोमीटर है। बिल्कुल राइट में आपको जो है कि फ्यूल गेज इंडिकेटर है, इसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ट्रिप देखने को मिल जाती है और ये आपका जो है एवरेज बता रहा है। साथ ही साथ आई थिंक ये आपका डिस्टेंस टू इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है और डिस्टेंस टू MT दिखा रहा है, और आपका फिर से जो है कि ओडोमीटर में आ गया। तो कुछ ऐसा था। बाकी जो इसकी लाइट्स हैं, वाइट कलर का आपको टोटल जो है कि बैकग्राउंड लाइट्स मिलती हैं, बटन्स में, स्विचेस में आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइट इल्यूमिनेशन के साथ आ रही है। फिलहाल इसे हम ऑफ ही कर देते हैं। और इस तरफ जो है कि आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाता है, वाइपर आपको इसमें सिंगल ब्लेड है, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो स्टीयरिंग व्हील है आप देख सकते हो, मैं एक बार सीट पीछे करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो जो स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि एक 3-spoke यूनिट है। डैटसन का आपको यहाँ पर लोगो मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एयरबैग और हॉर्न पैड जो है कि सब इंडिकेशन बना हुआ है। नीचे आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा क्रोम फिनिश देखने को मिल जाता है और इसमें किसी तरह का एडजस्टमेंट फंक्शन जो है कि आपको नहीं मिलता है। थोड़ा सा एक स्पेस आपको यहाँ पर भी दिया गया है, जहाँ पर अपने कॉइन वॉइन जो है कि रख सकते हो। बीच में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एक हज़ार लाइन का बटन मिल जाता है, और ये कुछ ऐसी इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और आजकल आप सभी जानते ही होंगे कि टच स्क्रीन का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और एंट्री लेवल गाड़ियों में भी जो है कि टच स्क्रीन अब प्रॉपरली आ रही है। फिलहाल AC को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय आवाज़ सुनने को मिल रही होगी। और यहाँ पर जो है कि अब स्क्रीन की बात कर लेते हैं, तो स्क्रीन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, अगर मैं इनिशियली अपने आईज नेकेड आइट से देखूँ तो। साथ ही साथ आपको इसमें रेडियो, फ़ोन, मीडिया, सेटिंग्स जैसे फीचर मिल जाते हैं। सेटिंग एक फीचर नहीं है, आपको एक ऑप्शन मिलता है। डार्क थीम है और आई थिंक इसमें लाइट थीम इसका एक ऑप्शन था, और इसमें क्या हो गया, आप इसे बटन दबाओगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, और ओके सो ये वापस आ गया। और यहाँ पर आपको एक वॉइस कमांड का भी बटन मिल जाता है, और यहाँ से आप अपने जो है कि वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। गाना सुनते हैं तो फ्रंट में आपको इसमें 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो डिलीवरी डिसेंट सी है। रेडियो, फ़ोन, मीडिया में चलते हैं तो यहाँ पर आप जो है कि ऑक्स से जो है कि कनेक्ट कर सकते हो। आई थिंक इसमें ब्लूटूथ नहीं है शायद,
और जैसा भी रहेगा मैं आपको नीचे मेंशन हो ही रहा होगा स्क्रीन पर कि है या नहीं है। फ़ोन में हम जाएंगे तो यहाँ पर, अच्छा नहीं एक्चुअली इसमें ब्लूटूथ है, आप इससे ब्लूटूथ से मीडिया वीडिया सब प्ले कर सकते हो और कॉल भी सब चीज़ें कर सकते हो। सेटिंग्स में चलते हैं तो वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम का एक फीचर दिया गया है, लाउडनेस, बैलेंस, फेड और इस तरह की ऑडियो में आपको सेटिंग मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो ब्राइटनेस और रियर व्यू कैमरा को आप इधर से देख सकते हो और कनेक्टिविटी में जो है कि आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी और ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल सिस्टम में चलते हैं तो लैंग्वेज, क्लॉक यूनिट्स, सिस्टम वर्जन, ये सब जो है कि आपको फीचर देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको एक रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलता है, तो ये जो है कि कुछ इसका रिवर्स कैमरा है। अडाप्टिव गाइडलाइंस नहीं है बट गाइडलाइंस है, जो कैमरे की क्वालिटी है वो ठीक ठाक सी है इस सेगमेंट की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट आपको एक रिवर्स कैमरा देखने को मिल रहा है। मैनुअल एसी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जिसका फ्लो काफ़ी अच्छा है और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी करती है। नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कि एक 12 वोल्ट का सॉकेट, उसके नीचे आपको एक यूएसबी और ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर जो है कि एक बटन दिया गया है जो कि आप सेंट्रल लॉक कर सकते हो गाड़ी को, एक्चुअली इसे दबा करके गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको थोड़ी सी और स्पेस मिल जाती है और इसके नीचे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है जिसकी साइज़ एक डिसेंट सी है और उस तरफ भी आपको AC1 मिल जाता है और यहाँ पर एक जो है कि आपको अच्छी सी फिनिश मिल जाती है। प्लास्टिक क्वालिटी डिसेंट है, ऑल्टो क्विड से तो काफ़ी बेहतर है। बीच में आपको यहाँ पर एक कैबिन लैंप मिल जाती है जो कि हेलोजन है। उसके बाद इस तरफ आपको एक किस तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है और ये भी अगर आप इसे खोलोगे तो ऐसा बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, तो एक सनवाइज़र कुछ इधर का है। ड्राइवर साइड भी आपको ऐसा यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलता है। IRVM आपको टोटली जो है मैनुअल मिलता है, किस तरह का यहाँ पर डिमिंग फंक्शन भी आपको नहीं दिया गया है। बीच में वापस आते हैं तो यहाँ पर आपको दो कप होल्डर की स्पेस मिल जाती है। पावर विंडोज आपको फ्रंट में दो मिल जाते हैं और इसका जो कंट्रोल है वो आपको यहीं देखने को मिलता है बीचों बीच में बिल्कुल। 5 स्पीड का आपको यहाँ पर एक ट्रांसमिशन मिल जाता है जिसमें आपको रिवर्स लगाना है, तो इस तरह से उठा करके आपको जो है कि एक नीचे लीवर दिया गया है, उससे आपको रिवर्स लगा सकते हो। यहाँ आपको जो है कि मैनुअल हैंडब्रेक दिया गया है और कुछ ऐसा जो है कि इसकी फ्रंट केबिन है और थोड़ी सी स्पेस यहाँ नीचे भी दी गई है। क्रोम टिप के साथ जो है कि आपको हैंडब्रेक मिलता है, तो कुछ ऐसा जो है कि आपको फ्रंट केबिन में सब चीज़ें मिलती हैं। आपको मैं की भी दिखा दूँ एक बार, तो की है, की आपको यहाँ पर कुछ ऐसे मिल जाती है लॉक अनलॉक फीचर के साथ और एक मैनुअल नॉर्मल की मिलेगी। तो अब चलिए चलते हैं पीछे की तरफ और गाड़ी को एक बार वापस उस पोजीशन पर ला देते हैं। अब देखा जाए तो ये जो सीट है ये मेरे ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग से एडजस्टेड है और ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस मेरे जितना तो नहीं है क्योंकि मेरी जो हाइट है वो थोड़ी सी एक्सेस है, 6 feet 3 inches की मेरी हाइट है। लेकिन अगर मैं को पैसेंजर सीट पे बैठूं, इस तरफ बैठूं, तो मुझे जो है एक ठीक ठाक सा नी रूम और एक ठीक ठाक सा लेग रूम है, मतलब मैं एक ठीक ठाक सी जर्नी कर सकता हूं आराम से यहां पर बैठ करके। हेडरूम की बात करें तो आगे भी अच्छा था, पीछे भी अच्छा था, हालांकि बिल्कुल मैं पीछे करके बैठ रहा हूं तो मेरे हल्के से जो है कि बाल जरूर से टच हो रहे हैं। और पीछे के भी डोर्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है कि आपको कंट्रोल मिल जाता है मैनुअल और यहां पर जो है कि आपको एक थोड़ा सा ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कुछ इस शेप में जो है मिल जाता है आपको पीछे का डोर। एज सच किसी तरह का कप होल्डर आपको पीछे नहीं मिलता है, हालांकि जो आपके यहाँ पर डोर पॉकेट्स हैं यहाँ पर एक बॉटल जो है कि ज़रूर से फंसा सकते हो। तो कुछ ऐसा था रेडी गो का एक ऑल ओवर वॉक अराउंड और फीचर एक्सप्लेनेशन। तो इंजन में की कुछ बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक 800cc का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर स्पेक्स आपको नीचे देखने को मिल गई होगी, लगभग 21-22 का जो है कि इसका एवरेज क्लेम्ड है ARAI के थ्रू। और इस तरफ जो है कि आपको यहाँ पर बैटरी वटरी का कंपार्टमेंट मिल जाता है, कुछ ऐसा इंजन में है। वॉशर फ्लूड आप यहाँ से भरोगे और यहाँ पर जो है कि आपको तरह तरह के फ्लूड्स डालने के लिए दिए गए हैं। इंसुलेशन भी जो है कि आपको यहाँ पर दी गई है तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कॉम्पैक्ट सा इंजन भी है, तो जो सिटी में अगर आप ड्राइव करोगे इसे तो अंदाज़ा लगाना जो है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छा एक सिटी कार के लिए जो है कि ये ऑप्शन आपके लिए रहता है। सो नाउ वी आर ड्राइविंग डैटसन रेडिगो है और 800cc वाला वेरिएंट जो आपको मिलता है 0.8 लीटर वाला वो है। और सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या जो है कि है रिस्पॉन्स। फिलहाल तो गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, AC भी ऑफ। ओके, तो स्टार्ट हो गई है, कोल्ड स्टार्ट तो नहीं है और RPM से इसके लगभग 700-750 पे आइडल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक डिजिटल RPM मीटर जो है कि देखने को मिल जाता है। और वाइब्रेशन की बात करें तो आपको थोड़ी बहुत फील होगी क्योंकि अगर 3 सिलेंडर इंजन है और 800cc है तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको वाइब्रेशन थोड़ा सा लगेगा ज़रूर से। फर्स्ट गियर डालते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। हज़ार्ड लैंप ऑफ कर देते हैं और बीच में आपको ये थोड़ा सा टू टू वाली आवाज़ आती रहेगी बिकॉज इसमें एक सिस्टम है कि आपका लो फ्यूल होता है तो जो है कि ये कॉन्स्टेंटली अच्छा ये था। ओह
हमें लग रहा था कि कुछ और वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, सीट बेल्ट भी हम लोग पहने हुए थे। चलो सही। सो इनिशियली अगर हम बात करें रेडी गो का, तो फिलहाल एक 800 सीसी के हिसाब से जो पंच है, अगर मैं स्पेशली कंपेयर करूँ ऑल्टो 800 या फिर क्विड से, तो ऑल्टो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये 19 पड़ती है 20, क्योंकि वो ज़्यादा हल्की लाइटवेट गाड़ी है, इससे ज़्यादा छोटी भी है, तो हल्का फुल्का परफॉर्मेंस में आपको उसमें जो है कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट हाँ, ये भी कहीं से कम नहीं है, प्रॉपर आपको जो है कि एक डिसेंट सा पंच मिल जाता है। और अगर स्पीड की बात करें तो लगभग 60 के आसपास हम चल रहे हैं फिफ्थ गियर में। और स्टेबिलिटी जो गाड़ी की है, गाड़ी झूम नहीं रही है, सबसे स्पेशल बात है। कभी कभी ऑल्टो में ये होता है कि झूमती थोड़ी सी ज़्यादा है वो, लेकिन इसमें झूमने वाला जो इश्यू है वो फिलहाल नहीं हो रहा है। ब्रेक्स की अगर हम बात करें तो ब्रेक्स भी बड़े क्रिस्प हैं, बहुत ही अच्छा जो है कि शानदार सा परफॉर्मेंस देते हैं, तुरंत जो है कि आपको रिस्पांस मिलता है जैसे ही आप प्रेस करते हो पेडल को। और स्टीयरिंग भी ऐसा सच बहुत वो नहीं है, रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप देख सकते हो मैं हल्का सा स्टीयरिंग अगर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो प्रॉपर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मिसिंग सा है या नकली सा स्टीयरिंग जो है कि होता है। और इस लेवल की ड्राइव क्वालिटी आपको एक एंट्री लेवल हैचबैक में देखने को मिल रही है, तो सचमुच काबिल तारीफ़ वाली बात है। और विजिबिलिटी की बात करें तो ऐस सच इसके शीशे जो है वो काफ़ी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, डिसेंट अमाउंट की आपको विजिबिलिटी मिलती है। हालांकि थोड़ा सा जो IRVM है वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा जो है कि आपको गाड़ी का पोर्शन हल्का ज़्यादा दिखाता है, इसको और अच्छा एडजस्टमेंट देने पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये देती। बाकी पीछे का जो शीशा है उससे भी आपको बहुत ही अच्छा जो है कि व्यू देखने को मिलता है, हॉर्न भी आप देख ही सकते हो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है। और जो रोड नॉइज़ है थोड़ी बहुत आपको फील होगी, लेकिन ओवरऑल जो इंजन नॉइज़ आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी कम है। मतलब फिफ्थ गियर में लगभग, मैं अगर इससे फिफ्थ में स्लॉट करूँ, फोर्थ 40 की स्पीड पे हम चल रहे हैं, तो इंजन नॉइज ना के बराबर है। अगर मैं फ़ैन भी ऑफ करूँ तो ऐसा आप बियरली जो है कि इंजन को मतलब हियर कर सकते हो, तो काफ़ी जो है कि रिफाइंड और साइलेंट साइज का इंजन है। और पिकअप भी जो है कि आपको प्रॉपर मिलता है, सेकेंड गियर में डाउन शिफ्ट करते खींचा तो मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। और ब्रेकिंग तो भैया काफ़ी अच्छी है, ऑल्टो किट से तो काफ़ी ज़्यादा जो है कि आपको अच्छी मिलती है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी जो है कि काफ़ी शानदार आपको इसमें देखने को मिल रही है। गियर शिफ्टिंग की बात करें तो ये भी जो है कि गियर थोड़े से हार्ड आपको लगेंगे, लेकिन एंट्री लेवल के हिसाब से आप इसे भी एक्सेप्टेबल कर रख सकते हो। बाकी टर्निंग रेडियस की बात करें, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो भी हो जाता है टेस्ट। देखते हैं कि इस लेन में वापस आ पाते हैं या नहीं। बिल्कुल आ गए हैं, और टर्निंग रेडियस भी जो है कि इसका काफ़ी अच्छा है। और थोड़ा अगर इसको खींचें तो इसका मेन जो पावर डिलीवरी है वो लगभग 1500 से आपको 3500 RPM के आसपास मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा जो आपको वो ब्लंटनेस आ जाती है इंजन में। स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, आप देखो मतलब गाड़ी ऐसे कर रहा हूँ तो बॉडी रोल ऐसा आपको इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, ओवरटेकिंग की अगर हम बात करें तो बिकॉज एक 800 सीसी का इंजन है और एंट्री लेवल हैचबैक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इशू आएगा, आपको एक बार डाउन शिफ्ट जो है कि जरूर करना पड़ेगा। एक बार छोटा सा हाई स्पीड भी लेते हैं, लगभग 80 तक खींच करके देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आती है गाड़ी की। थर्ड गियर में शिफ्ट कर रहा, मैंने फुल पंजा लगभग दबाया है। गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, लेकिन हाँ और 80 की स्पीड पे भी ना ऐसा आपको पता नहीं लगता है। कुछ गाड़ियों में जैसे आपको लगेगा उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो है कि आपको प्रॉपर एक कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो देखने को ज़रूर से मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा पैकेज आपके लिए बन जाता है, अगर आप एक एंट्री लेवल हैचबैक की तलाश कर रहे हो एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की। हालांकि ये 0 स्टार लेकर के आई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप इसे फील करोगे तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की काफ़ी शानदार है। क्विड और ऑल्टो से तो डेफिनेटली एक लेवल ऊपर की जो है कि आपको इसमें बिल्ड क्वालिटी मिलती है, और हालांकि ये निसान के पेडिग्री के साथ आती है तो सचमुच बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो ए नंबर आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी हेडलाइट्स का रिस्पांस सच में नहीं बता सकता क्योंकि इतनी रात नहीं हुआ है। हाँ, एक चीज़ करेक्शन करना चाहूँगा, मैंने रिव्यू में जो है कि आपको हैलोजन फॉग लैंप्स बोल दिया था, इसमें आपको LED फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। बाकी सीट्स अच्छी हैं, ठीक ठाक कंफर्टेबल हैं, काफ़ी शानदार है।
बाकी वीडियो हम फिलहाल यहीं एंड करते हैं, क्योंकि और कुछ खास इस गाड़ी में बात करने लायक है नहीं। आपको इसमें ABS, EBD, दो एयरबैग के नाम पे, मतलब सेफ्टी फीचर्स के नाम पे यही देखने को मिलता है। सस्पेंशन वाइज देखें तो स्लो स्पीड्स पे बम से अच्छे अब्जॉर्व कर लेती है। AC भी इसका काफ़ी शानदार है, और ऑल सच एसएस देखा जाए तो 2 की पे ये चल रहा है, और ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर भी कम हुआ है, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी कूलिंग ये कर ले रहा है। बाकी अर्गोनॉमिकली भी देखा जाए तो इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली और काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं। हाँ, एक छोटा इशू है कि आपको यहाँ पर एक हेडलैम्प लेवलर है जो कि मैकेनिकल दिया गया है, वो थोड़ा सा कभी कभी एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग आपको थोड़ा सा जो है कि मशक्कत करनी पड़ेगी उसको डील आउट करने में, बट हाँ वो भी आप चाहो तो ईजिली धीरे 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 कर उसको कर सकते हो, सच बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बहुत दिनों बाद हमारा एक वीडियो आ भी रहा है, तो ज़रूर से जो है कि एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद भी आया या नहीं। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जिनको गाड़ी लेनी है और रेडिगो की चाहत रखते हैं वो, और मिलते हैं इसी तरह से किसी और एक नए वीडियो के साथ। इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको जो है कि देखने को मिल रहा होगा, हमारी वेबसाइट का भी आपको हैंडल नीचे देखने को मिल रहा होगा, तो ज़रूर से जाकर एक बार विजिट कीजिए इस वेबसाइट पर और इंस्टाग्राम हैंडल पर भी। वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम, धन्यवाद।